Yes, students, yesterday I have discussed with you this chapter, case studies of different countries, China, then Pakistan, Mexico, Zimbabwe. And first of all, आपको इनकी countries के कुछ particular name और year याद रखने हैं. पाकिस्तान के सबसे important military journal, who led military coup? Yes, परवेज मुशर्रफ. ठीक है, in which year he arrange referendum in the country? 2002. ठीक है, then next is Mexico. In which year Mexico gained independence? 1930. In which year Zimbabwe gained independence? 1980. ठीक है, then name the party of Mexico that ruled for continue years. Yes, PRI, full form of PRI, Institutional Revolutionary Party. Then Zimbabwe, ZANU-PF, ZANU-PF. And who was the leader of this party? Robert Mugabe. So this I have covered. Now today I will tell you about some of the non-democratic countries. कल मैंने आपको बताया था कि जितनी भी countries के name मैंने बताई हैं, ये democratic countries की list में हैं. But there are some non-democratic countries also. कौन कौन सी countries हैं? सऊदी अरेबिया, जब आप नेट पे सर्च करोगे ना सऊदी अरेबिया, ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की लिस्ट में आता है इसका नेम. सबसे पहले रीजन क्या है, ये नॉट सेकुलर, यानी कि ये सेकुलर नहीं. ठीक है, अगर हम इसका इंडिया से डिफरेंस देखें. सेकंड इज, नाउ विमेन गॉट राइट टू वोट इन दिस कंट्री, बट फॉर सेवरल इयर्स विमेन नॉट गेट राइट टू वोट. क्लियर? आफ्टर दिस बेटा, व्हेन आई विल कंप्लीट माय लेक्चर ना, देन आई विल गिव यू टाइम. ठीक है, देन नेक्स्ट इज थर्ड डिफरेंस, नो इलेक्शंस बिकॉज हेरिडिटरी रूल इज देयर. ठीक है, हाउ दिस कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, एंड दिस इज इन द लिस्ट ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. फर्स्ट, इट इज नॉन सेक्युलर. नॉन सेक्युलर का मतलब क्या होता है, दैट पीपल दे आर नॉट गिवन फ्रीडम ऑफ, no freedom of religion. And official religion, इस country का जो official religion है that is Islam. But in our country is secular, और हमारी country में कोई भी official religion नहीं है. All are equal and they all are given freedom of religion. They can propagate, they can profess, they can get education about their religion in any institution, and nobody will be discriminated on the basis of religious background. And suppose many Indians, they have moved to Saudi Arabia for work. जो लोग यहाँ से वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, they are not free to celebrate their own religious functions. Like अगर Indian जो है Saudi Arabia में जाते हैं ना, they are not free to celebrate Diwali, Dussehra, Janmashtami like in our country. ठीक है, because that country is not secular at all. Now women got right to vote. लेकिन Saudi Arabia एक ऐसी country थी जहां पे women को right to vote नहीं मिले. And यहाँ पे hereditary rule है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे elections नहीं होते हैं, और elections नहीं होंगे तो political parties नहीं होंगी. Political parties नहीं होंगी तो automatically लोगों को किसी भी तरह से चॉइस नहीं मिलती है. नो चॉइस ऑफ इलेक्टिंग देयर लीडर्स. और जिस कंट्री में लोगों को चॉइस नहीं ना मिलती है, वहां पे ऑपोजिशन भी नहीं होती. नो ऑपोजिशन पार्टीज. सो दिस इज द, जो भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के फीचर्स होते हैं ना, तो वो सारे सऊदी अरेबिया के. एंड यहाँ पे पावर्स या रूल्स या रेगुलेशंस या लॉ मेकिंग अथॉरिटीज जो है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ रूलर्स. यानी कि यहाँ पे पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होती है. रूलर्स का मतलब होता है जो शेख है, यहाँ पे जो प्रिंस है, फैमिलीज, जो रूलर्स हैं,
दे आर द रियल लॉ मेकर्स. और ऐसी कंट्रीज जहां पे हेरिटरी रूल होता है ना, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टफ होते हैं. फॉर एग्जांपल इन इंडिया, एनी पर्सन इफ ही और शी हैज वायलेटेड लॉ, अगर उन्होंने किसी भी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक किया है, टू अरेस्ट देम पुलिस नीड वारंट. पुलिस को क्या चाहिए? वारंट. और अगर पुलिस के पास वारंट है, देन पुलिस कैन अरेस्ट पर्सन एंड विद इन आफ्टर अरेस्टिंग विद इन 24 आवर्स, यानी कि उसको 24 आवर्स के लिए लॉकअप में रख लिया, विद इन 24 आवर्स पुलिस विल प्रेजेंट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, कोर्ट में जो है उसको जो है प्रेजेंट करे, एंड उसके बाद कोर्ट जो पनिशमेंट देगा उस पर्सन को उसको फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन उस पर्सन को टाइम दिया जाएगा कि वो अपना लॉयर जो है उसके साथ कॉन्टेक्ट करे, ताकि लॉयर जो है उसके बिहाफ पे केस जो है वो फाइल करे. ये हमारी कंट्री के राइट्स, बट दीज राइट्स आर नॉट गिवन इन सऊदी अरेबियन कंट्रीज. एनीबॉडी कैन बी डिटेन, किसी को भी डिटेन किया जा सकता है, ठीक है. एंड फंडामेंटल राइट्स हमारी कंट्री में है लेकिन इन कंट्रीज में नहीं. दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इंडिया. हाँ जी, राइट टू वोट फॉर लोकल बॉडीज, जैसे हमारी कंट्री में लोकल बॉडीज है, स्टेट है, ठीक है. ये है राइट टू वोट का मतलब है जस्ट टू इलेक्ट द एमपीज पार्लियामेंट के लिए, बट नॉट फॉर रूलर्स. जैसे लंदन की क्वीन है, जो क्वीन है उसके लिए इलेक्शन थोड़ी होंगे, वो तो उनकी फैमिली आफ्टर फैमिली रूल है, ठीक है. हाँ जी, एनी डाउट फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस गौरव. हाँ जी बेटा. नो, आपका हैंड रेज था बेटा. यस, कीप योर माइक ऑन. गुरपाल, व्हाट हैपन? स्टैंड अप, चेंज योर सीट, कम हियर. हाँ जी गौरव. मैम, जो नॉन डेमोक्रेटिक मैम कंट्रीज होती हैं मैम, उन मैम वो यूनिसेफ में होती हैं हम ज्वाइन. हाँ जी, प्लीज रिपीट. मैम, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं मैम, वो यूनिसेफ में ज्वाइन हैं? यस, इट डजंट मीन कि कंट्रीज अगर डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक, दे कैन ज्वाइन यूएनओ. दीस कंट्रीज कैन ज्वाइन यूएन. तो इसका कोई वो नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक. जस्ट नो, इट्स नॉट डिक्टेटरशिप, इट्स काइंड ऑफ हेरिटरी रूल. डिक्टेटर तो जर्मनी का था. हाँ जी, नो इलेक्शंस फॉर रूलर. जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, तो सऊदी अरेबिया में रूलर्स के इलेक्शंस नहीं है, ठीक है. ये याद रखना हमेशा. लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं, वो इसलिए क्योंकि इन कंट्रीज में पहले वुमेन को राइट, इवन वुमेन कांट ड्राइव. पहले तो वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन जो था, वुमेन कांट ड्राइव, but now in many women they have right to drive car also, ठीक है. so discrimination की अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया कंट्री में बहुत सालों तक men और women के बीच में भी discrimination किया था, ठीक है. next is second country Estonia. बेटा Estonia एक ऐसी country है जो multiracial, जैसे हमारी country India multiracial है ना, all the different religious communities and groups they are living in our country. देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं मुस्लिम जो हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया से टाइम टू टाइम हमारी कंट्री में आए. नाउ दे आर द पार्ट ऑफ आर कंट्री. वो उनको भी सिटीजनशिप मिली हुई है, वो अलग बात है, इनको माइनॉरिटी में माना गया. इसी तरह से एस्टोनिया में भी, एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रशियंस भी हैं, लेकिन रशियंस को माइनॉरिटी, जैसे हमारी कंट्री में मुस्लिम हैं, रशियंस को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया और यहां पे इनको दिया गया नो राइट टू वोट. सपोज अगर हमारी कंट्री इंडिया में मुस्लिम्स को राइट टू वोट ना मिले या क्रिश्चियंस को राइट टू वोट ना मिले, तो दैट इज अ मेजर डिस्क्रिमिनेशन. तो एस्टोनिया की बात करें, एस्टोनिया एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है और एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटीज हैं, रशियन जिनकी रेस रशियन है, जो रशिया से बिलोंग करते हैं लेकिन रहते एस्टोनिया में है,
उनके पास राइट टू वोट नहीं, ठीक है, तो दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी के साथ भी रेस, रिलीजन या जेंडर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पर एस्टोनिया में ऐसा होता है। सो दैट इज इन द लिस्ट ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट इज फिजी। This is also in the list of Fiji. This is also in the list of non-democratic countries. Why? क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे citizenship के basis के ऊपर discrimination होता है। Fiji के जो original inhabitants हैं, Fiji, J, बेटा J है, Z नहीं है। हाँ, सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहां पे माइनॉरिटीज को जो है वो राइट टू वोट नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजी, डोंट कंफ्यूज। इन दिस कंट्री टू टाइप्स ऑफ सिटीजंस आर लिविंग, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स जो यहाँ के बॉर्न सिटीजंस हैं, कुछ लोग इंडिया से गए। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है। इफ ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स विल वोट, उसके वोट अगर वो सिंगल वोट देता है तो उसके वोट को डबल माना जाएगा, और अगर इंडियन फिजी वोट देता है, इसको भी मिला है राइट टू वोट, लेकिन उसके वोट की वैल्यू क्या है, सिंगल, तो आप खुद सोचो डिस्क्रिमिनेशन किसके बीच है, इंडियन। इसका मतलब है कि उनकी कंट्री में जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, ठीक है, जो फिजी है वहां के बॉर्न सिटीजंस हैं, अगर वो वोट करते हैं तो उनके वोट की वैल्यू डबल मानी जाती है, और अगर इंडियन फिजी हैं, अगर इंडियन है, उनकी जो ओरिजिन है वो इंडियन है, तो अगर वो वोट करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही वोट माना जाएगा, तो दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, ओरिजिनल सिटीजंस हैं, अगर वो वोट करते हैं तो उनका डबल वोट माना जाए, एक वोट करेंगे तो डबल वैल्यू, लेकिन इंडियन जो है वो एक वोट करते तो एक ही माना जाए, तो दैट इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ इंडियन फिजी ही नहीं, वो बहुत सी कम्युनिटीज जो वहां पे रह रही है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो दैट इज नॉन डेमोक्रेटिक। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो जब भी मैं आपसे ये पूछती हूँ बेटा विच आर द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है, तो यू कैन गिव दीज एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज अबाउट द कंडीशन ऑफ चाइना। इसमें हमने चाइना और इंडिया को कंपेयर करना है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब किसी कंट्री में ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो उस कंट्री में जो रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है, वो किसी भी तरह से लोगों के लिए आंसरेबल नहीं होती। पूरे वर्ल्ड में 1958 और 61 ऐसे इयर्स थे जिसमें अप्रोक्सीमेटली इंडिया और चाइना and several other countries, these face famine problem, shortage of food, and due to this, approximately in India and China and all over the world, 3 crore people died. Those who were affected by this shortage of food, many people they died of starvation. Clear? In this condition, India was having strong opposition party, and China, one party nation. ठीक है, जैसे अगर हम कोविड की टाइम की बात करें तो जब फर्स्ट वेव आई थी तो इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल देखा जाए, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हर कंट्री के जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है उसकी डेथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट। तो फर्स्ट वेव में कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हमारी कंट्री में जब लॉकडाउन हुआ तो नंबर ऑफ डेथ्स को कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है, लेकिन सेकेंड वेव में ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड वेव में इंडिया में नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है, तो दैट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने अपना क्या रोल प्ले किया, शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि कंट्री में ऑपोजिशन पार्टी ज्यादा क्योस क्रिएट ना करे, तो इंडिया में रूलिंग पार्टी दे प्लेड देयर रोल एंड दे हेल्प मैनी पुअर पीपल
एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड फूड स्टफ आल्सो, बट इन चाइना ऐसा नहीं हुआ। चाइना सिर्फ वन पार्टी नेशन है और उनको पता है कि कोई उनको अपोज नहीं कर सकता, तो उनकी कंट्री में नंबर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा थी एंड दिस एक्यूट प्रॉब्लम वॉज नॉट प्रॉपरली सॉल्व एंड मैनी पीपल डाइड ड्यू टू दिस इन चाइना, बट नंबर ऑफ डेथ इन इंडिया वॉज लेस एज कम्पेयर टू चाइना बिकॉज इंडियन रूलिंग पार्टी, उनको डर था अपोजिशन पार्टी का और भी लोग उनको अपोज कर रहे थे, सो दैट्स व्हाई इंडिया जो था, इंडिया की रूलिंग गवर्नमेंट आंसरेबल टू पीपल, उनको ये था कि अगर हमने लोगों को हेल्प नहीं प्रोवाइड की तो नेक्स्ट इलेक्शंस में लोग उनको इलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ रीजन, ये एक रीजन है जिस कंट्री में ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रांग होती है उस कंट्री में रूलिंग पार्टी और मेजोरिटी पार्टी जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो है वो लेती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर? So this was about the case study of these chapters. Any doubt from online students? Very good. No doubt. Very good. Yes. पर है तो वो इंडियन ही ना, जो लोग इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो वो इंडियन ही, पर वो रहेगा तो उनका वही ना कि है ओरिजिन तो इंडिया रहेगा। सपोज अगर निग्रोज हमारी कंट्री में आते रहेंगे तो वो निग्रोज है ना, अगर आप कहते हैं कि उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, रेस तो उनकी वही है, दैट इज द मेन डिस्क्रिमिनेशन। यस, नेक्स्ट आई विल रिवाइज फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट आई विल रिवाइज फ्रेंच रेवोल्यूशन, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वन बाय वन आई विल अलाउ यू, देन यू विल ओनली गिव आंसर, यू विल नॉट गिव आंसर्स कलेक्टिवली, ठीक है। इफ यू नो द आंसर देन इट इज ओके, इफ यू डोंट नो देन आई विल टेल यू, ओके। यस, दिस चैप्टर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द इम्पोर्टेंट डेट when Bastille was stormed. Yes, Keshav, stand up. Keshav, stand up. Beta, give me your pen. You know the important date when Bastille was stormed. This is the first line of the chapter. This is the first line of the chapter. Important date of revolution. Sit down, beta. 14 July. Gurpal, आपकी आवाज बहुत आ रही है, प्लीज। 14 July 1789. This is the important date of revolution. And the date when Bastille was stormed. Storm का मतलब होता है attack किया, ठीक है, पैलेस। एंड व्हाई दिस पैलेस, बिकॉज इन दिस पैलेस आर्म एंड एमिनेशन वेपन्स वर स्टोर्ड एंड फोर्ट्रेस कम प्रिजन, फोर्ट्रेस का मतलब किला भी था, प्रिजन का मतलब एक जेल थी, ठीक है, जिसमें द पीपल हु अपोज लुई 16th दे वर डिटेन्ड कैप्चर्ड, उनको वहां पे रखा गया था प्रिजनर बनाकर, एंड फ्रेंच पीपल दे वॉन्टेड टू लिबरेट, वो उनको वहां से आजाद करवाना चाहते थे, सो दैट्स व्हाई दिस Bastille fought stood for the despotic powers of the king. Despotic powers of the king का मतलब होता है अनलिमिटेड रूल, तो लोग जो थे लुई 16th के सामने अपनी पावर दिखाना चाहते थे, सो दैट्स व्हाई ऑन 14 जुलाई 1789 दिस फोर्ट्रेस कम प्रिजन वॉज अटैक डिमोलिश टोटली, एंड उससे पहले जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर लिया गया, आर्म एंड एमिनेशन जो स्टोर किया गया था उसको निकाला गया, और इस तरह से बाद में पूरा का पूरा Bastille जो था उसको डिमोलिश कर दिया। द डेट वॉज 14 जुलाई 1789। अब इस डेट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, विच इज द इम्पोर्टेंट डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, 14 जुलाई 1789, ठीक है, वेन Bastille वॉज स्टॉर्म्ड 14 जुलाई, या फिर वाई पीपल दे हेटेड Bastille फॉर,
लोग क्यों हेट करते थे, वन मार्क क्वेश्चन, व्हाई पीपल अटैक, इसमें डेट नहीं बतानी है, स्टैंड अप, हां जी, नाउ गिव द आंसर, दे वर कैप्ट एज अ प्रिजनर एंड दिस बेस्टाइल फोर्ट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग, लोगों को ये जो एक पैलेस था ये एक डेस्पोटिक का मतलब होता है अनलिमिटेड, कि किंग कुछ भी कर सकता है, एंड लोग सबसे पहले किंग की इस पावर को खत्म करना चाहते थे, किंग को ये शो करना चाहते थे कि लोग जो है, पीपल मिलिशिया कितना स्ट्रांग होता है, लोग अगर रेवोल्यूशन लाएं कंट्री में तो कुछ भी हो सकता है, चलो बेटा वेरी गुड, हाँ जी नेक्स्ट, रूलर ऑफ फ्रांस जस्करन, हाँ जी स्टैंड अप बेटा, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन, लुइस, किंग कब बना, अब 1789 में रेवोल्यूशन हुआ तो वो किंग कब बना था, यार याद रखो 1774 ही असेंडेड द थ्रोन, असेंडेड द थ्रोन का मतलब होता है कि लुइस 16th व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, और आपको पता है जब वो किंग बना उसकी एज कितनी थी, 20 इयर्स, नो नीड टू रिपीट, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड स्टूडेंट्स कैन सी, नो नीड टू रिपीट, ठीक है, किंग लुइस 16th ईयर व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन 1774 एंड द एज व्हेन ही बिकेम द किंग दैट वाज 20 इयर्स, एंड द नेम ऑफ क्वीन हुम ही मैरिड, मैरी एंटोनियो, ठीक है, देन नेक्स्ट इज when he ascended the throne, okay, then that you can say treasury of France was totally empty, financial condition of France was out of control, because Louis 16 se pehle unki families jo thi they were helping which continent, America, they were helping America, why, because the colonies of America, 13 colonies areas, colonies का मतलब होता है areas, because 13 areas of America were controlled by Britain, so France supported America, so now the question is, yes Ritika stand up beta, who was the common enemy of America and France, नितिका से पूछा, हु वॉज अ कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, यस, इट मीन्स फ्रांस हेल्प अमेरिका टू गेन कंट्रोल, ठीक है, यानी कि कंट्रोल किसका था, ब्रिटेन के अंडर 13 कॉलोनीज थी, तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की और इन 13 कॉलोनीज को क्या मिली, इंडिपेंडेंस, एंड नाउ दीज 13 कॉलोनीज गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, एंड फ्रांस हेल्प अमेरिका, और इस हेल्प के कारण फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि फ्रांस का जो ट्रेजरी थी उन्होंने कितना स्पेंड किया वॉर टाइम पीरियड में, सो दिस इज द रीजन व्हेन लुई 16 ही बिकेम द किंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फ्रांस वाज नॉट प्रॉपर, एंड दिस इज द रीजन व्हाई पीपल हेटेड मोनार्की, लोगों को ये लगता था कि जो किंग है तो दूसरी कंट्रीज की हेल्प कर रहा है लेकिन उनकी अपनी कंट्री में प्रॉब्लम है, सो दिस इज द रीजन व्हाई पीपल दे हेटेड मोनार्की सिस्टम, नेक्स्ट, हाँ जी दीपाली, नेम द पैलेस इन विच लुई 16th लिव्ड विद हिज फैमिली, वेरी गुड, पैलेस ऑफ वर्साए, ठीक है, इसके अलावा भी एक और पैलेस था, पैलेस ऑफ ट्यूलरिस, तो आपने इस चैप्टर में टोटल 3 पैलेसेस पढ़े हैं, बेस्टाइल जो है उसको डिमोलिश कर दिया गया, एक पैलेस ऑफ वर्साए जिसमें किंग अपनी फैमिली के साथ और नॉबल्स या जो भी उनके ऑफिशियल्स होते हैं सर्वेंट्स उनके साथ रहते थे, इसके अलावा एक और पैलेस था, पैलेस ऑफ ट्यूलरिस, वो हम बाद में इसको पढ़ते हैं, ठीक है, वर्साए, ट्यूलरिस, क्लियर, हां जी, इसके बाद, हां जी गुरुपाल स्टैंड अप,
What was Libre? LIVRE. Yes, Libre was the unit of currency. Libre was a unit of currency. यानी कि जैसे इंडिया के dollars, sorry, इंडिया में रूपी है, USA में डॉलर है, ऐसे ही उस टाइम पीरियड में फ्रांस में जर्मन की मार्क करेंसी क्या क्या थी? मार्क. ठीक है, तो आपको याद मार्क एम ए आर के. ठीक है, लिब्रे, लिब्रे मतलब यूनिट ऑफ करेंसी. सो मैरी एंटोनियो बिलोंग टू विच कंट्री? नो, एनी अदर? मैरी एंटोनियो बिलोंग टू विच कंट्री? ऑस्ट्रिया. वेरी गुड. ऑस्ट्रियन प्रिंसेस. मैरी एंटोनियो वॉज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस. सो अगेन इम्पॉर्टेंट डेट फॉर बेस्टाइल, 14 July 1789. वाई इट वॉज फ्रॉम? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग. देन 1774 लुई 16 ही असेंडेड द थ्रोन. देन ही बिलोंग टू विच डायनेस्टी? बर्बन. BOURBON, बर्बन डायनेस्टी. द एज व्हेन लुई 16 असेंडेड द थ्रोन एंड मैरिड? मैरिड क्वीन. यस, ओके. अंडर लुई 16 हाउ मेनी कॉलोनीज वर हेल्ड बाय हिज एम्पायर? 13. हु वाज द कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका? व्हाट वाज द यूनिट ऑफ करेंसी? ओके. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम फ्रेंच सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्रेंच सोसाइटी. Into how many parts French society was divided? Three. First estate, second estate, third estate. Okay? First estate consists of clergy. Okay? Clergy कौन होते हैं बच्चे? चर्च. ठीक है, जो चर्च में वर्शिप करते हैं. ठीक है, सेकेंड नोबिलिटी. नोबिलिटी कौन होते हैं? मिनिस्टर्स. ठीक है, थर्ड एस्टेट कॉमन पीपल बोथ, बिजनेसमैन, रिच मर्चेंट्स, पुअर और फार्मर्स और कॉमन पीपल. ठीक है, क्राफ्ट्समैन, कुछ भी, आर्टिसंस. ठीक है, वीवर्स. नाउ प्रॉब्लम वाज एट दैट टाइम प्रिविलेजेस वर गिवन ओनली टू फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. इट मींस दे कांट चेंज देयर प्रोफेशन. फर्स्ट एस्टेट यानी कि जो क्लर्जीमैन है, ठीक है, उनके बच्चे क्लर्जी ही बनेंगे. चाहे वो जितने मर्जी इंटेलिजेंट है, वो नोबल्स नहीं बन सकते. देन नोबिलिटी, मिनिस्टर्स जो हैं, उनके बच्चे आगे मिनिस्टर ही बनेंगे. किंग है, उनके बच्चे आगे किंग ही बनेंगे. ठीक है, अगर वो कैपेबल नहीं भी हैं, या अगर वो क्लर्जीमैन बनना चाहते हैं तो भी नहीं. दे कांट चेंज देयर एस्टेट. देन प्रॉब्लम क्या थी? थर्ड एस्टेट फ्यूडल सिस्टम वॉज देयर. फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है? एट दैट टाइम विलेजर्स और पुअर पीजेंट्स एंड फार्मर्स, they had to pay different kind of taxes and dues. Number one, feudal dues. Feudal dues का मतलब क्या होता है? जब आप लैंड पे एग्रीकल्चर करते हो, जैसे आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स देते हो, हाउस टैक्स देते हो, ऐसे ही उस टाइम पीरियड में फार्मर्स को अपनी लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करने के कारण कुछ feudal dues देने पड़ते थे. और उसके लिए किंग जो थे कुछ feudums को अपॉइंट करते थे. ये feudums एजेंट्स होते थे, मिडल मैन, और ये उन पीजेंट्स और फार्मर से ड्यूज कलेक्ट करते थे और आगे किंग की ट्रेजरी में डिपॉजिट करते थे. लेकिन इस सिस्टम को उस टाइम पीरियड में एक्सप्लॉइटिव क्यों माना गया? बिकॉज एट दैट टाइम मैनी फ्यूडम्स दे एक्सप्लॉइटेड विलेजर्स, पीजेंट्स एंड फार्मर्स. क्योंकि उस टाइम पीरियड में विलेजर्स से जितना उनका टैक्स था उससे ज्यादा लिया जाता था, और अगर वो किसी भी तरह से कंप्लेंट करते थे तो उनको टॉर्चर किया जाता था. क्योंकि उस टाइम पीरियड में फ्यूडम्स जो थे उनकी रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत ज्यादा थी, और विलेजेस को स्नब कर दिया जाता था, सप्रेस कर दिया जाता. तो दैट वाज द रीजन व्हाई दिस फ्यूडल सिस्टम वाज क्रिटिसाइज्ड. क्लियर?